डेटा प्रोटेक्शन बिल ड्राफ्ट आया है, पब्लिक फीडबैक आ रहे होंगे, तो उसमें कुछ इश्यूज भी फीडबैक में रेज किए गए हैं कि आप क्या सोचते हैं. फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट रेगुलेटर होना चाहिए ना कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड होना चाहिए, तो इस पर आप की राय. नहीं देखिए, इसमें इस बिल में, एक तो मैं आपको इस बिल का उद्देश्य क्या है मैं बड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूं. बिल का ये है कि इंटरनेट में काफी कुछ अच्छा हो रहा है, इंटरनेट से काफी कुछ अच्छा प्रभाव भी आ रहा है, लेकिन इंटरनेट में काफी कुछ गलत काम भी हो रहे हैं. और एक गलत काम यह है कि कंज्यूमर के पर्सनल डेटा, यानी कि आप और हमारे पर्सनल डेटा, नाम, पता, बायोमेट्रिक्स, अदर को, ऐसे भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो उस डेटा को ये लेकर वो मिसयूज करते हैं. उस मिसयूज पर ब्रेक लगाने के लिए, उस मिसयूज पर एकदम रोक लगाने के लिए हमने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लाया. ये बड़ा सिंपल सिंपल टर्म्स में ये है. इसमें हमने नागरिक का, डिजिटल नागरिक का हक क्या है, उनके राइट्स क्या है, बड़े स्पष्ट रूप से लिखे हैं. और जो प्लेटफॉर्म्स है जो डिजिटल नागरिक के डेटा लेते हैं, उनके क्या ऑब्लिगेशन है, वो भी लिखे हैं बड़े बड़े क्लियर सिंपल टर्म्स में. और इससे निकलता है एक सिनारियो जब जो ऑब्लिगेशन है वो ब्रीच करते हैं, जो जिनको कोई, जिन्होंने कोई प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस करते हैं. तो ये डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का एक ही काम है, ये रेगुलेटर है नहीं, इसमें रेगुलेटर का कोई कोई गुंजाइश नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है. उनका एक ही काम है कि जो ब्रीच होता है उस ब्रीच का पेनल्टी क्या हो उसका एजुडिकेशन करे. ट्रैफिक कॉप है. हाँ, एक ट्रैफिक कॉप है एकदम. एक ये मैंने कभी सोचा नहीं है, लेकिन एक तरह से वायलेशन को पेनल्टी दिलाने वाला कॉप है ये. तो ये रेगुलेटर नहीं है. और ये मैंने हमारे बिल में कहा कि वो इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट, ये सरकारी नहीं होगा, ये लोग सरकारी नहीं होंगे. और इसका अपील एंड देयरफॉर इसका स्क्रूटिनी करेंगे हाईकोर्ट. तो अगर इन्होंने कुछ गलत किया है, ऑटोमेटिकली इसका अपील जाएगा हाईकोर्ट में और हाईकोर्ट तय करेंगे कि इसमें गलत है या सही है. तो इसका हमेशा एक तरह से चेक्स एंड बैलेंसेस रहेगा, स्क्रूटिनी रहेगा कोर्ट सिस्टम का. तो जस्ट टू सिंप्लीफाई फॉर मी, कि ये इंडिपेंडेंट रेगुलेटर जब लिखा ही है उसमें, तो फिर इसका मतलब इसको अगर अपने को इंडिपेंडेंट रेगुलेटर ने लिखा है, इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, इंडिपेंडेंट डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ये है. हाँ. लेकिन जो रेगुलेटर होगा वो अलग होगा. रेगुलेटर आएगा इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम के लिए. रेगुलेटर का जो एक गुंजाइश है या एक डिस्कशन है वो आएगा हमारे आने वाले डिजिटल इंडिया एक्ट में. एग्जैक्टली. तो जो सेबी का काउंटर पार्ट होगा वो ये डेटा प्रोटेक्शन से अलग बहुत सारे और इश्यूज भी है, उसके लिए हम रेगुलेटर के बारे में जरूर सोचेंगे. वो लेकिन इस बिल में नहीं, एक नया बिल आएगा डिजिटल इंडिया एक्ट, वो जो डेटा प्रोटेक्शन से अलग जो चैलेंजेस है, यूजर हार्म, ओपननेस, एथिक्स, कॉम्पिटिशन वगैरह वगैरह, काफी सारे और भी मुद्दे हैं डिजिटल इकोसिस्टम में, जिसके लिए हम नया बिल आएंगे जो होगा सक्सेसर टू द आईटी एक्ट.